बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज इसका लेक्चर नंबर 20 है। आज का जो टॉपिक है वो है साइमन कमीशन 1927। फर्स्टली हम मूव करते हैं बैकग्राउंड रीजंस पर। सबसे पहली जो रीज़न थी वो थी कम्प्लेक्सिटी ऑफ डार्क सिस्टम। अब जो डार्क सिस्टम था वो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो क्या था, और उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया हुआ था इंडियन एक्ट 1919 में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जो है उसे मैं इसे कम्प्लीटली कवर कर चुकी हूँ। अब डार्क सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। द एक्ट आल्सो प्रॉमिस डैट अ कमीशन वुड बी अपॉइंट आफ्टर 10 ईयर टू रिव्यू द वर्किंग एंड प्रोग्रेस मेड ऑन द मेजर टेकन थ्रू द एक्ट। और इस ये जो एक्ट था ना, ये जो 1919 का एक्ट है, इसमें ये भी प्रॉमिस किया गया कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो इसकी वर्किंग को चेक करेगा, जो इसके असलाहत का जायज़ा लेगा और फिर उसको चेक करके एक नया आयन बनाएगा। द इंडियन पीपल एंड लीडर वांट अ रिफॉर्म ऑफ द डायट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो इंडियन थे वो इसकी फेवर में नहीं थे, डायट के सिस्टम के, तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि इसमें रिफॉर्म्स लेके आए जाएँ, इसमें असलाहत कर दी जाएँ। द कंजर्वेटिव पार्टी लीड गवर्नमेंट इन द यूके। अब जो यूके था वहाँ पर कंजर्वेटिव जो पार्टी थी वो लीड थी, वो हुकूमत कर रही थी। Feared a defeat at the hand of Labour Party in the election, due also so hesitant and the appointment of a commission in 1928. अब वहाँ पर जो अभी इस टाइम जो 1927 में है, वो इस टाइम जो पार्टी लीड कर रही है, जो जिसकी हुकूमत है वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। अब उसके इलेक्शन आने वाले थे और उसको डर था कि ये कहीं हम लेबर पार्टी से हार ना जाए, तो इसलिए उसने क्या किया, वक्त से पहले ही, क्योंकि वो जो 1919 का एक्ट था उसमें ये शर्त रखी गई थी कि 10 साल बाद क्या बनाया जाएगा, एक मिशन बनाया जाएगा जो चेक करेगा इसकी वर्किंग को, इसके प्रोग्रेस को। लेकिन हुकूमत ने क्या किया, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसे वक्त से पहले ही एक मिशन बना दिया गया इन 1928 में, चेक करने के लिए इसकी वर्किंग को, इवन थो इट वॉज ड्यू ओनली इन 1929 एज़ पर 1919 एक्ट। इसे क्योंकि बनाना तो इसे 1929 में था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे पहले बना दिया इसकी वर्किंग को चेक करने के लिए। ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर स्लैंटी ब्लेडवन, ये किसके अंडर थी, वहाँ का तब प्राइम मिनिस्टर कौन था, स्लैंटी ब्लेडवन, वांट्स रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919। और वो जो उसका पीएम था ना, वो भी चाहता था कि क्या कर दी जाए, अभी इसमें जो इंडियन एक्ट ऑफ 1919 है ना, इसमें रिफॉर्म्स कर दी जाए, इसमें असलाहत कर दी जाए, उसकी प्रोग्रेस को चेक कर लिया जाए, तो वो भी यही चाहता था। ये बैकग्राउंड रीज़न था इस कमीशन की, साइमन कमीशन की। अब साइमन कमीशन कैसे बना, इन 1927 लॉर्ड अरविन वाज वाइसराय ऑफ इंडिया, जो लॉर्ड अरविन था वो वाइसराय था इंडिया का, वो अपॉइंट अ कमीशन अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे कि उसकी बैकग्राउंड रीजन में बताया गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि क्या किया जाए, कमीशन बना लिया जाए और रिफॉर्म्स कर दी जाए। तो फिर उसने क्या किया, लॉर्ड अरविन ने क्या किया कि उनके इंस्ट्रक्शंस पर, उनके बिहाफ पर उसने क्या किया है, एक कमीशन बना दिया। साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो साइमन कमीशन था ना, वो 7 मेंबर का ग्रुप था अंडर सर जॉन साइमन, और किसकी प्रेसिडेंसी में, सर जॉन साइमन की प्रेसिडेंसी में। सर जॉन साइमन वाज इट्स चेयरमैन। सर जॉन साइमन जो थे वो इसके हेड थे इस कमीशन के, और ये जो था एन इंग्लिश बेस्ड ग्रुप था, वाज विजिटिंग इन इंडिया, और ये एक इंग्लिश बेस्ड ग्रुप था, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसमें सारे जितने भी इस ग्रुप के मेंबर थे, इस कमीशन के मेंबर थे, वो सारे कौन थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसे इंग्लिश बेस्ड ग्रुप भी कहा जाता है। इस चेयरमैन ने सर जॉन साइमन, इसका जो चेयरमैन का नाम था वो सर जॉन साइमन था, इसलिए इस फिर कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन उन्हीं के नाम से रख दिया गया था। द इंस्ट्रक्शन वर गिवन टू द चेयरमैन डैट दे हैड टू इन्वेस्टिगेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, देन दे हैड टू प्रेजेंट अ डिटेल रिपोर्ट इन विच दे मोनिटाइज द एडिक्वेट रिफॉर्म्स।
अब जो सर जॉन साइमन थे ना, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो जो इंडियंस को प्रॉब्लम आ रही है उनको भी क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें, और उनको देख के सारा ये जो कमीशन है इन सबको चेक करके फिर हमें एक डिटेल रिपोर्ट दे, ताकि इस्लाहात की जाए, उसके बतावा के इस्लाहात की जाए। इस मिशन का मकसद क्या था कि उसने इन्वेस्टिगेशन करनी थी प्रॉपरली। फिर क्या हुआ, उसने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उसने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवा दी ऑन अप्रैल 1928। आफ्टर द टूर ऑफ इंडिया दे वेंट बैक एंड फाइनली प्रेजेंट देयर रिपोर्ट। कहते हैं 1929 में, अब 28 में ये आया था, इंडिया आया था 1929 में। इसने सारे टूर किया इंडिया का, हर जगह घूमा, लोगों से मिला, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, और गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल पर्सन से मिला, उनके से मिल के जो जो प्रॉब्लम्स उनको समझ आई, उन्होंने क्या किया उसको नोट डाउन किया, और वापस चले गए अप्रैल 1929 को। फिर द कमीशन पब्लिश इट्स फाइनल रिपोर्ट इन मई 1930। उन्होंने ना 1930 में ना अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी उसको पब्लिश कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं साइमन रिपोर्ट, और जिसके दो वॉल्यूम थे। ये जो रिपोर्ट थी कि दो वॉल्यूम्स पर कंप्राइज थी। अब जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें सर्वे था, उसमें इंडिया का सर्वे था कि मतलब इंडिया का सर्वे किया गया था कि क्या क्या मसले हैं। और जो सेकंड था वो थी रिकमेंडेशन, जैसे कि मैंने साथ पिक्चर्स में बता दिया गया है कि फर्स्ट जो वॉल्यूम था वो किस पर बेस्ड था, सर्वे पर था, कि उसके क्या हालात हैं, इंडिया के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा था। और दूसरे में रिकमेंडेशन बताई गई थी कि इनको हल कैसे करना है, क्या क्या हम कर इकदाम कर सकते हैं जिससे इनकी प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। रिकमेंडेशन क्या दी गई, अब सर्वे में तो हमें पता है कि क्या होगी, उनकी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया गया होगा। अब रिकमेंडेशन क्या दी गई, द डॉर्की सिस्टम इन द प्रोविंस शुड बी अबॉलिश। जैसे कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ डॉर्की, हमने बताया कि प्रॉब्लम में जो बैकग्राउंड जो मेन रीज़न बनी थी वो थी डॉर्की सिस्टम। अब उन्होंने जब आके लोगों से मिले तो उन्होंने देखा कि अब डार्क सिस्टम की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि दैट डार्क सिस्टम इन द प्रोविंस शुड बी अबॉलिश, इसको ख़त्म कर दिया जाए, एंड शुड बी रिप्लेस बाय कंप्लीट प्रोविंशनल ऑटोनॉमी, और उस सूबों को कंप्लीट क्या दे दी जाए, खुद मुख्तारी दे दी जाए, ताकि वो अपने सारे काम जो हैं वो खुद कर सके। इनको क्या किया जाए, खुद मुख्तारी दे दी जाए, विच शुड इंक्लूड द लॉ एंड आर्डर डिपार्टमेंट, और जिसके अंदर वो लॉ और आर्डर डिपार्टमेंट सारे वो खुद अपने जितने भी उनके काम हैं वो खुद करें। द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशनल गवर्नर शुड बी रिड्यूस। जो पावर्स हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की और प्रोविंशनल गवर्नर की, उनकी पावर जो हैं वो उनको कम कर दे जाए। फिर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अब वो क्या है, वफाकी तर्ज हुकूमत को राइज किया जाए, फेडरल सिस्टम को क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए इंडिया में। अगर द राइट टू वोट, आगे जो क्या था, द राइट टू वोट शुड बी एक्सटेंड टू मोर पीपल। अब पहले जो था वो प्रोमिनेंट जो बस जो अमीर और जो रिच पर्सन थे उनको ये दिया गया था, या जो पढ़े लिखे थे उनको बस दिया गया हुआ था राइट टू वोट। अब उसने क्या कहा कि इसे एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि सब लोगों की राय का पता चले कि वो क्या चाहते हैं, तो राइट ऑफ जो वोट था उसको एक्सटेंड करके कर दिया जाए। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी वो थी, एन एक्सपर्ट कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूट रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ सिंध फ्राम बम्बे। अब मुसलमानों ने डिमांड रखी कि जो सिंध है उसको सेपरेट कर दिया जाए, किससे, बम्बे से। तो उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन ने क्या कहा कि ऐसे उसे अलहदा ना किया जाए, पहले क्या किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जो क्या किया करे, जो इसके सारे द सेपरेशन ऑफ सिंध फॉर नॉट ग्रांट इन प्रिंसिपल, तो वो ऐसे ही ना सेपरेट कर दिया जाए, पहले उनके जितने भी वसाइल हैं जितने भी मसले हैं उनको छानबीन किया जाए, फिर उसे अलहदा किया जाए। फर्स्ट देयर वुड हैव टू बी आर क्लोज एंड डिटेल इंक्वायरी इन टू द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस विच वुड फॉलो सच अ स्टेप। पहले किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, वो सारे उसके जितने भी फाइनेंशियल हैं जितने भी माली वसाइल हैं उसका जायजा ले, उसकी छानबीन करे, और देन अगर तो फिर वो सूटेबल रहा तो फिर ये स्टेप
उठाया जाए और उस सिंह को अलहदा कर दिया जाए, देन फिर किया जाए। अदरवाइज उन्होंने ये जो डिमांड थी वो उसे नहीं था माना, उन्होंने सिंध को सेपरेट नहीं था किया बम्बे से। द डिमांड ऑफ द फ्रंटियर फॉर इक्वल स्टेटस वॉज ऑल्सो निगलैक्ट। जो डिमांड थी ना फ्रंटियर की कि उनको इक्वल स्टेटस दिया जाए, वो भी जो थी वो निगलैक्ट कर दी गई थी। रिजेक्शन रिजेक्ट 1/3 मुस्लिम सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली। अब जो एक तिहाई मुसलमानों की नुमाइंदगी थी ना, उसको भी क्या कर दिया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उनको ये जो मुतालबा था कि हमें 1/3 सीट दी जाए सेंट्रल असेंबली में, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं था किया गया, उसको क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट, अब मुसलमानों को सेपरेट जो इलेक्शन का हक था ना, वो इसमें दे दिया गया था कि मुसलमान जो हैं उनके सेपरेट इलेक्शन हो गए और हिंदुओं के सेपरेट इलेक्शन हो गए। रिटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडियन स्टेट एंड ब्रिटिश क्रोन, अब बरकरार रखा जाए कि वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके किसके साथ, ब्रिटिश क्रोन के साथ, जो इंडियन स्टेट हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर दिया जाए। द गवर्नर जनरल शुड सेलेक्ट एंड अपॉइंट हिज कैबिनेट मेंबर, और जो गवर्नर जनरल है वो जो है वो खुद अपने जो मेंबर है ना कैबिनेट मेंबर, वो खुद सेलेक्ट करे, उनको खुद अपॉइंट करे। ये थी रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन। अब हम देखते हैं व्हाई वाज द साइमन कमीशन बायकॉट बाय द इंडिया। साइमन कमीशन को क्यों बायकॉट किया गया इंडिया से, क्यों इसके खिलाफ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गई थी, क्यों हर जगह ये स्लोगन उठ गया कि साइमन गो बैक, क्यों ये नारे लगने शुरू हो गए कि साइमन यहाँ से चले जाओ। तो इसकी जो रीज़न थी, फर्स्टली द साइमन कमीशन हैड विच हैड नो इंडियन मेंबर, एक तो इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, विच वाज टू इन्वेस्टिगेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। और ये जो कमीशन था इसमें इंडियन मेंबर नहीं था, और ये आया किस लिए था, इंडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए टू द गवर्नमेंट ऑन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तब अगर देखा जाए तो वो इस बात पे से इतराज़ कर रहे थे जब उनका कोई अपना पर्सन अंदर रखा जाता किसी इंडियन, क्योंकि जिस तरह इंडियन अपने मसलों को जानते थे, कोई बाहर वाला आके ये 10 दिन रह के या 4 दिन रह के नहीं उसे पता चल सकता कि क्या मसले हैं इनको, तो उनको इस बात पे इशू था। इट प्रोवोक्ड इंडिया एज इट हैड नो इंडियन मेंबर, तो इससे उनको ना एक्साया गया था। इंडियन फेल्ट दिस एम्बैरेसिंग एंड सो बायकॉट द साइमन कमीशन, तो उनको ऐसा क्या हो रही थी, ऐसा इंसल्ट फील हो रही थी कि हमारे ही मुल्क में हमारे ही प्रॉब्लम्स फील करने आया, फुलफिल कर उसे सॉल्व करने आया, सॉरी फुलफिल नहीं सॉल्व करने आया, लेकिन हमें ही नहीं रखा गया। तो ये एक शर्मनाक बात थी उनके लिए, उनको ये क्या थी, शर्मिंदगी हो रही थी। तो डेट्स वाई इन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन से बायकॉट कर दिया था। नेक्स्ट जो रीज़न बनी थी, मुस्लिम क्लियरली डिमांड्स सिंध टू बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे इन द दिल्ली प्रपोजल। अब दिल्ली प्रपोजल जो कि मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया, वहाँ मुसलमानों ने एक डिमांड की थी कि दिल्ली को जो सिंध है उसको बॉम्बे से सेपरेट कर दिया जाए, एक अलहदा प्रोविंस बना दिया जाए। ब्रिटिश पुट ऑन दैट डिमांड ऑफ मुस्लिम एंड दस इनरेज द मुस्लिम हु देन स्टूड फॉर द अपोजिशन। अब ब्रिटिश ने इनकी डिमांड को कोई कंसिडरेशन नहीं दी, उन्होंने एक साइड पर इस डिमांड को रख दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुस्लिम भी जो थे वो इसके कमीशन के अपोजिट हो गए थे। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस। अब इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी कि सेपरेट इलेक्शन दिए जाए, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन का हक दे दिया गया और फेडरल सिस्टम जो है वो इसे इंट्रोड्यूस करवाया। दिस मेड द कांग्रेस गो मैड हु वर अगेंस्ट दिस सिस्टम। और क्यों ना कि ये जो दो बातें थी ये मुसलमानों के हक में थी और हिंदुओं को जो ये जो थी ना ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि कांग्रेस अब हिंदुओं की जमात बन चुकी हुई थी, तो उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने इस वजह से क्या कहते हैं, वो साइमन कमीशन के अपोज हो गए थे, उन्होंने इसकी मुखालफत करना शुरू कर दी थी। अब हम लोगों ने देखा कि वो क्यों उसके खिलाफ थे। अब इसके रिजल्ट क्या निकला, कॉन्सिक्वेंस क्या निकले थे, इट्स कम्पोजिशन मेट विद द स्ट्रॉम ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंडिया बिकॉज इंडियन वर इंक्लूड। एक तो इसके जो कम्पोजिशन है वही नहीं थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ा, वो जहाँ भी पहुँचते, जहाँ भी किसी चीज़ का जायज़ा लेने जाते, जैसे वो बम्बे गए, वो दिल्ली गए, तो उन्होंने उनको आगे से वेलकम नहीं किया गया, बल्कि उन बायकॉट करके प्रोटेस्ट किए गए और नारे लगाए गए कि साइमन गो बैक।
तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन पर हुआ था। द कमीशन वॉज बायकॉट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कमीशन, ये जो कमीशन था, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिल्कुल कॉपरेशन नहीं की, उन्होंने बायकॉट कर दिया एंड मोस्ट अदर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के भी, मुस्लिम लीग भी जो थी उसने भी बायकॉट कर दिया था। अब मुस्लिम लीग जो थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी हुई थी। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिलीप पर बोर्ड में डिस्कस किया था कि मुस्लिम लीग जो थी वो दो हिस्सों में, शाफी लीग और काल लीग में हो गई हुई थी। अब सॉरी, जिनाल लीग में। अब जिनाल लीग इसके अपोजिट थी, लेकिन जो शाफी लीग थी वो इसके हक में थी। तो जिनाल लीग भी जो थी इसके अपोजिट स्टैंड खड़ी हो गई, उसने भी इसे बायकॉट कर दिया इस मिशन से। फिर पीपल वर रेसिंग स्लोगन साइमन गो बैक। अब वो जहाँ भी जाते, जहाँ भी वो इन्वेस्टिगेट करने जाते, प्रॉब्लम्स को देखने जाते, जहाँ जिस शहर का भी वो विजिट करते, तो वहाँ पर ये नारे लगाए जाते, ये स्लोगन हटाया जाता है ऊँची आवाज में कि साइमन गो बैक, बिन बुलाए मेहमान को वापस भेज दिया जाए। अब हर जगह ये वाले प्रोटेस्ट हो रहे थे। ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।